नायडू ने बनाया प्लान, पीएम मोदी की रणनीति पर फेर दिए पानी। तो आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ी मुश्किलें। देश के दो राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते एनडीए व्यस्त है, लेकिन इसी बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी ही पीएम मोदी की रणनीति पर पानी फेरने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बढ़ती आबादी के चलते देश को पहले से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अब दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। लेकिन हैरान करने वाले नहीं, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों के चलते दक्षिण के राज्य खुद को ठगा हुआ मान रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार संसद में ऐलान कर चुकी है कि अगर लोकसभा चुनाव, जिसमें महिला आरक्षण लागू होगा, उससे पहले सीटों को लेकर सीमांकन कराया जाएगा, जिससे संसद की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और कहा जा रहा है कि यह सीटें आबादी के अनुपात में बढ़ेंगी, जिसके बाद दक्षिण भारत की हिस्सेदारी देश की राजनीति में कमजोर पड़ जाएगी। इसके बाद से ही दक्षिण के राज्यों से आबादी को लेकर अलग ही शोर सुनने को मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तो नया कानून लाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत यह प्रावधान किया जाएगा कि निकाय चुनाव केवल वही लोग लड़ सकेंगे जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे, जबकि इससे पहले ये कानून था कि दो बच्चों से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन नायडू से चार कदम आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। सीएम स्टालिन ने तो दो की जगह 16 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया, और ये भी संकेत दिया है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को सरकार की तरफ से मदद भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा, क्यों ना हम 16 बच्चे पैदा करें। अगर दक्षिण की भारत की बात की जाए तो उसमें 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी आता है।